गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम जोगिंदर शर्मा, योर टीचर ऑफ इंग्लिश. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मैट्रियल नाउन. ठीक है, ईशु, सनी, सीनू, कुस्मित, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन गाइस. एक बार सभी बच्चे जुड़े, फिर हम सेशन की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं. जैसा कि आपको पता है, हम प्रॉपर नाउन सीख चुके हैं, कॉमन नाउन पढ़ चुके हैं, कलेक्टिव नाउन कल हम पढ़ चुके हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा मैट्रियल नाउन. मैट्रियल नाउन क्या होता है, इसके बारे में क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो एक बात अच्छे से डील हम करने जा रहे हैं. मैट्रियल नाउन क्या होता है, एक बार आप जल्दी से जुड़ करके सेशन को ज्वाइन करें, फिर हम अच्छे से इसको सीखेंगे, मैट्रियल नाउन. और साथ साथ एक बार मुझे कमेंट करके आप ये भी बताएं कि मैट्रियल नाउन से आप क्या समझते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय मैट्रियल नाउन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैट्रियल नाउन. फिर हम कुछ बातें पढ़ेंगे, मैट्रियल नाउन क्या होता है. देखो, मैट्रियल नाउन से मेरा मीनिंग क्या है, मैट्रियल नाउन से मेरा मीनिंग ये है, मेरा मतलब ये है, From या of which the things are made, जिससे कोई वस्तु बनी हो या जिससे कोई वस्तु बनाई जा सकती हो, ऐसे noun को हम material noun बोलेंगे. ठीक है, first of all इसकी definition क्या है, From या of which, from या of which the things are made. ऐसा नाउन है जिससे कोई वस्तु बना सकते हैं. बिल्कुल जी, जिससे कोई वस्तु हम बना सकते हैं, जिससे कोई वस्तु बनाने में हम यूज कर सकते हैं, उसी को मैटेरियल नाउन बोलेंगे. यहाँ तक की बात को थोड़ा सा डिटेल से लेकर के चलेंगे. अब फ्रॉम या ऑफ कहने से मेरा मतलब क्या है, फ्रॉम या ऑफ कहने से मेरा मतलब ये है, जिससे आपने कोई वस्तु बना दी, ऐसा मैटेरियल जिससे आपने कोई दूसरा मैटेरियल बना दिया. जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, बटर जो है किससे बनता है, मिल्क से. बटर किससे बनता है, मिल्क से. तो जब बटर बन गया, क्या दोबारा उसका मिल्क बना सकते हो आप लोग, जो बटर बना है मिल्क से, क्या बटर से मिल्क बना सकते हो, नहीं बता सकते. तो ऐसे नाउन जो दोबारा उसी नाउन में कन्वर्ट नहीं हो सकते, उसके लिए तो हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम. और जैसे आपने टेबल बना दी लकड़ी से, क्या बना दी, टेबल. तो टेबल से लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल तोड़ के, या टेबल भी लकड़ी की ही बनी है. कहने का मतलब, जब कोई नाउन जिस नाउन से बना है उसी में चेंज हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, उसके लिए तो ऑफ यूज करेंगे. लेकिन उसी फेज में अगर नहीं जा सकता तो फ्रॉम यूज करेंगे. जैसे चीज इज मेड मिल्क, इसमें आप फिल कीजिए, क्या फिल करोगे. जैसे बेसिक सा क्वेश्चन देता हूं, द टेबल is made wood. ये दो क्वेश्चंस हैं, फ्रॉम और ऑफ को समझने में बहुत हेल्प आपकी करने वाले हैं. सुमन, रेनू, गुड आफ्टरनून डियर. फ्रॉम और ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या है, वो यहां से आपको समझ में आ जाएगा. चीज इज मेड डैश मिल्क, किससे बना है चीज भाई, मिल्क से. तो मिल्क से बना है ना, बिल्कुल जी. क्या दोबारा चीज से मिल्क बना सकते हो, नहीं बना सकते. तो ऐसी सिचुएशन में हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे. जब आप इस चीज को मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वही आप फेज नहीं गेन कर सकते, तो ऐसी स्थिति में फ्रॉम का प्रयोग करेंगे. लेकिन टेबल इज मेड ऑफ वुड, टेबल किससे बनी है, वुड से. तो
तो हम टेबल को वुड भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, जब वही टेबल जो है उसी वुड को मतलब गेन कर सकती है, उसी में चेंज हो सकता है, तो हम इसके लिए ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। यानी जब कोई नाउन जिससे वो बना है उसी में कन्वर्ट हो सकता है, उसी में चेंज हो सकता है, तो हम ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। और जो नाउन जिससे बना है उसी शेप साइज को नहीं गेन कर सके, उसी शेप साइज में कन्वर्ट नहीं हो सके, तो उसको हम फ्रॉम यूज़ करेंगे। उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? फ्रॉम। यहाँ तक की बात तो ये थी भाई, फ्रॉम और ऑफ का मीनिंग क्या है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। टेलीग्राम चैनल बिल्कुल होगा भाई, इंग्लिश भाई जोगिंदर सर क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा, सर्च करके देखो होगा, आप इसको डालेंगे ना तो मिल जाएगा। अब थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, ये जो मैट्रियल नाउन है ना, इसका मतलब क्या है आपने सीख लिया। मैट्रियल नाउन का मीनिंग क्या है? जिससे आप कोई दूसरा मैटर बना सकते हैं, कोई वस्तु बनाने में इसका यूज आप कर सकते हैं, उसको मैट्रियल नाउन बोलते हैं। फ्रॉम और ऑफ का भी आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। जैसे आपने मिल्क बोला, क्या मिल्क को आप काउंट कर सकते हैं? जैसे आपने वुड बोला, लकड़ी, क्या लकड़ी को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है कि सर मैटेरियल नाउन जो है ना उसको हम काउंट नहीं कर सकते, मैटेरियल नाउन को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। मैटेरियल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते। मिल्क को आप माप तोल तो सकते हैं, वेग कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार वुड, लकड़ी को आप माप तोल, वे या मेजर तो कर सकते हैं, लेकिन इसको काउंट नहीं कर सकते। तो मैटेरियल नाउन जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के फीचर्स क्या होते हैं ये मैंने आपको पढ़ाया था। क्या था? अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। और तीसरा मैंने क्या बताया था, अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। कैसी वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। और फोर्थ पॉइंट क्या था बच्चे? फोर्थ हमारा पॉइंट क्या था? फोर्थ पॉइंट ये था कि अनकाउंटेबल नाउन जैसे मिल्क है, ये प्लूरल थोड़ी बन सकता, मिल्क्स थोड़ी आप बोलेंगे, यानी कि प्लूरल फॉर्म भी नहीं होगी, नो प्लूरल फॉर्म, मैटेरियल नाउन की प्लूरल फॉर्म भी नहीं होगी। मैटेरियल नाउन की प्लूरल फॉर्म यानी कि एस और एस लगा करके आप उसे प्लूरल बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो प्लूरल नहीं बनने वाला है। और बाई चांस प्लूरल बन भी गा, जैसे गोल्ड है, गोल्ड क्या है बच्चे? मैटेरियल नाउन है, जब इससे कुछ आप बनाते हैं तो मैटेरियल बन जाता है, ठीक है। अगर आप इसे गोल्ड्स लिखेंगे, गोल्ड का मतलब क्या है? जिससे ये क्या है? मेटल है, ठीक है, लेकिन गोल्ड्स अगर आप बोलेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मेडल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मेडल, मेडल्स, ये क्या है? मेटल है, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। गोल्ड जिससे हम कुछ बनाते हैं वो क्या है? अनकाउंटेबल है, वो मापा तोला जा सकता है, वे या मेजर तो किया जा सकता है, लेकिन काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। लेकिन आप उसे गोल्ड्स बोल देंगे ना तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, मेडल्स हो जाएगा, और ये अब नाउन कैसा बन जाएगा? कॉमन नाउन बन जाएगा। कैसा नाउन? कॉमन नाउन बन जाएगा। ध्यान रखना इन बातों को। जिस भी मैटेरियल नाउन, जो भी मैटेरियल नाउन प्लूरल बन जाए, ध्यान से सुनना, जो भी मैटेरियल नाउन प्लूरल बन जाए वो मैटेरियल नहीं रहेगा, वो कॉमन बन जाएगा। ये मैटेरियल नाउन की खासियत है, यानी मैटेरियल नाउन की फॉर्म जो होगी वो सिंगुलर फॉर्म होती है, अगर वो प्लूरल बन भी गा मानो तो वो मैटेरियल नहीं रहने वाला, वो कॉमन में कंसिडर किया जाता है, कॉमन नाउन कंसिडर किया जाता है। मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको बताया मिल्क है जैसे, वाटर है जैसे, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है।
और मैट्रियल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन अगर बन गया तो इसके फीचर्स भी अनकाउंटेबल वाले होंगे, अनकाउंटेबल से पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा, इसके साथ वर्ब कैसे यूज करेंगे सिंगुलर, और इसको एस और एस लगा करके प्लूरल बनाने की कोशिश आपको नहीं करनी, इसलिए फॉर्म भी कैसी रहेगी, सिंगुलर फॉर्म रहेगी। अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे बेसिक सा एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, द वॉटर इज कलरलेस, उस दिन भी लिखा था मैंने ये, क्या ये वाक्य सही होगा, मुझे कमेंट करके बताना एक बार, क्या ये सेंटेंस सही होगा बच्चे, दिस हाउस इज मेड ऑफ स्टोन्स, क्या यह सही होगा, जल्दी से बताइए आप मुझे, या दिस पैलेस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, क्या ये सही होगा, कमेंट करके आप मुझे बताओ। गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, प्रीसियस मेटल, क्या ये सही होगा, क्या ये सही होगा, एक बार कमेंट करके बताना। मैंने क्या बोला, वॉटर इज कलरलेस, वॉटर मैट्रियल नाउन की तरह यूज हो सकता है, हालांकि यहां पर नहीं यूज हुआ, यहां पर इससे कुछ बन नहीं रहा है, लेकिन ये मैट्रियल नाउन की तरह यूज हो सकता है, तो हम इसे मैट्रियल नाउन में ही मान के चलते हैं। पानी को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल तो है ही है, और ये मैट्रियल नाउन बनाने में यूज हो सकता है इसका, इसलिए मैट्रियल नाउन अभी तक लिख देता हूं मैं इसको। पानी का कोई कलर नहीं होता, ये बात कॉमन है, ये हर जगह एप्लीकेबल है, तो इसे जनरल कॉन्टेक्स्ट बोलेंगे, जनरल कॉन्टेक्स्ट, और जनरल कॉन्टेक्स्ट में अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं, स्पेसिफिक होगा तो दी लग जाएगा। दिस हाउस इज मेड ऑफ स्टोन्स, ये घर जो है स्टोन्स से बना है, पत्थरों से बना है, क्या ये वाक्य सही होगा, हिंदी बनाओगे तो अच्छा लगेगा ये आपको, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मैटेरियल नाउन होता है ना, ये होता है रॉ मैटेरियल, रॉ मैटेरियल, रॉ मैटेरियल कहने से मेरा मतलब क्या है, जिससे कोई वस्तु बनती है। यहां पर हाउस किससे बना, स्टोन से, किससे बना, स्टोन से, और जिससे कोई वस्तु बनती है वो क्या नाउन हो जाता है, मैटेरियल नाउन हो जाता है, कैसा नाउन, मैटेरियल नाउन, ये मैटेरियल नाउन हो जाएगा, और मैटेरियल नाउन को कभी भी एस और एस लगा करके प्लूरल नहीं बनाया जाता, उसको कैसे रखा जाता है, सिंगुलर, उसकी फॉर्म को चेंज नहीं किया जाता। मैंने आपको क्या सिखाया था, मैटेरियल नाउन जो है ना, ऐसा नाउन है जिससे कोई दूसरी वस्तु बन सकती है, इसलिए इसे रॉ मैटेरियल बोलते हैं। तो मैटेरियल नाउन को एस और एस लगा करके आप प्लूरल नहीं बना सकते, यानी कि मैटेरियल नाउन की फॉर्म कैसी होती है, सिंगुलर फॉर्म होती है, सिंगुलर फॉर्म में इसको यूज करना होता है। इसी प्रकार दिस पैलेस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स का मतलब जिसको बनाने में, पैलेस को बनाने में जिस मिट्टी की या जो मेटेरियल की जरूरत पड़ी, तो यहां पर पैलेस का मतलब आपको पता है ना, पैलेस को बनाने में, महल को बनाने में किस चीज का प्रयोग हुआ, ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स यहां पर जिससे कोई वस्तु बनती है वो क्या बन जाता है, मैटेरियल नाउन, और मैटेरियल नाउन को एस और एस लगा करके प्लूरल नहीं किया जाता, क्योंकि एक रॉ मैटेरियल यहां पर यूज हुआ है, जिससे पैलेस बना है,
जिससे कोई वस्तु बनाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटेरियल नाउन। और मैटेरियल नाउन जो है ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन की तरह। और अनकाउंटेबल को एस और एस लगा करके प्लूरल नहीं बनाया जाता, ये इसका फीचर्स है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मैटेरियल नाउन जो है ना इसका फीचर क्या है, कि मैटेरियल नाउन को एस या एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, ठीक है ये, गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, सभी को पता है। हालांकि गोल्ड यहां पर मैटेरियल नाउन की तरह यूज नहीं हो रहा, क्योंकि गोल्ड से यहां पर कुछ बन नहीं रहा, इसलिए मैटेरियल नाउन की तरह यूज नहीं हो रहा, फिर भी हम इसका एग्जांपल लिख देते हैं। गोल्ड एक बहुमूल्य धातु है, ये सभी को पता है, ये क्या है, जनरल बात है, और जनरल केस में आर्टिकल यूज नहीं होगा, इसलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहां पर मैंने सिर्फ आपको क्या बताया, मैटेरियल नाउन का मतलब है जिससे कोई दूसरा मैटेरियल या वस्तु बन सकती हो उसको मैटेरियल नाउन बोलेंगे। फ्रॉम कब यूज करेंगे, जब वो शेप साइज दोबारा नहीं प्राप्त हो सकती हो तब हम फ्रॉम यूज करेंगे। जब कोई वस्तु बन गई है और दोबारा से उसी में कन्वर्ट किया जाए तो उसके लिए ऑफ यूज कर सकते हैं। मैटेरियल नाउन जैसे वाटर है, पानी से आप कुछ बना सकते हैं, गोल्ड से आप कुछ बना सकते हैं, डायमंड और सिल्वर से दूसरी वस्तु तैयार कर सकते हैं, जिससे भी दूसरी वस्तु बनाई जाती है उसको हम मैटेरियल नाउन बोलते हैं। और गोल्ड सिल्वर डायमंड जो भी है इसको हम माप तोल तो सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन को एस और एस लगा करके प्लूरल नहीं बनाया जाता, इसलिए वो सिंगुलर की तरह ट्रीट होता, वह भी सिंगुलर यूज होती है। और अनकाउंटेबल से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन अगर वो स्पेसिफिक की तरह एक्ट करे, अगर वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे तो वो कैसा हो जाएगा, दी आर्टिकल यूज हम कर सकते हैं। प्रॉपरली क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं, 5 से 6 क्लास आपकी हो चुकी हैं, डेली क्लास आप लगाओ, डेली इनको नोट करो। एनी गोस्वामी गुड मॉर्निंग जी, गुड आफ्टरनून है, तो गुड मॉर्निंग नहीं रहा, गुड आफ्टरनून हो गया है, ठीक है। दो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, सी वॉन 5 silvers in the tournament. क्या ये सही होगा, बताना मुझे यस या नो में आंसर देना, क्या ये सही होगा। उसके बाद दे थ्रू 2 stones इन माई हाउस, क्या यह सेंटेंस सही होगा, जल्दी से बताओ। इसके बाद और भी कई एग्जाम्पल्स लिखूंगा मैं, द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज वाइडली डिमांडेड, क्या ये सही होंगे सेंटेंस, आप कमेंट करके बताओ मुझे, कमेंट करके मुझे आप बताइए। सी वॉन 5 silvers इन द टूर्नामेंट, दे थ्रू 2 stones इन माई हाउस, द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज वाइडली डिमांडेड। मैं इसको ए पार्ट बना देता हूं, इसको बी बना देता हूं और ये सी, ऐसे बता दो चलो किस पार्ट में एरर है। शाबाश, हरी अप गाइज, आंसर्स दीजिए जल्दी से,
क्या आंसर्स आप देने जा रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए। अब बच्चे कहेंगे सर आपने कहा था सिल्वर जो है ना ये एक मैटेरियल नाउन है और सिल्वर वाटर मिल्क इसको एस और एस लगाओगे तो गलत हो जाएगा। मैंने ये भी कहा कुछ एक मैटेरियल नाउन जो है ना अगर उनके अंत में एस और एस लगा दिया जाए तो वो कॉमन नाउन बन जाएंगे और कॉमन तो प्लूरल बिल्कुल हो सकता है, कॉमन नाउन बिल्कुल प्लूरल हो सकता है। एक बात बताओ सी वॉन 5 सिल्वर्स इन द टूर्नामेंट, क्या यहाँ पर सिल्वर का प्रयोग कोई वस्तु बनाने में हो रहा है? सिल्वर का प्रयोग कुछ बनाने में हो रहा है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं हो रहा, तो ये मैटेरियल नाउन नहीं है, मैटेरियल नाउन नहीं है, इसलिए क्या है कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन तो बिल्कुल प्लूरल हो सकता है। दूसरी बात यहां पर सिल्वर्स जो है ना इसका मीनिंग क्या है, मेडल, सिल्वर मेडल से है, क्या है सिल्वर मेडल से, तो मेडल एक भी हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकता है जिसको आप काउंट कर सकते हैं। सी वॉन 5 सिल्वर्स इन द टूर्नामेंट, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दे थ्रू 2 स्टोन्स इन माई हाउस, अब कई बच्चे कहेंगे सर थ्रू इन टू आना चाहिए। पहली बात तो मैं आपको बता दूं जो थ्रो है ना इसके साथ ये थ्रू लगाना आप THREW, इसके साथ इन टू नहीं इन का प्रयोग किया जाता है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान से लिख लेना। दे थ्रू 2 स्टोन्स इन माई हाउस, तो थ्रू थ्रो के साथ जो है ये सेकेंड फॉर्म है थ्रू इसकी, इसके साथ इन टू नहीं इन का प्रयोग किया जाता है, पहली बात। दूसरी दे थ्रू 2 स्टोन्स, क्या यहाँ पर पत्थरों से कुछ बन रहा है भाई? अगर कुछ बनता तो ये मैटेरियल नाउन हो जाता और मैटेरियल नाउन को प्लूरल करना गलत हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उसने 2 पत्थर फेंके मेरे घर में, क्या इन पत्थरों से कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा, ऐसी स्थिति में ये किसकी तरह यूज हो रहे हैं, कॉमन नाउन की तरह, और कॉमन नाउन तो बिल्कुल प्लूरल हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल सही है। दे थ्रू 2 स्टोन्स इन माई हाउस, द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज वाइडली डिमांडेड, आप कहोगे सर गोल्ड तो आपने कहा था मैटेरियल नाउन है और इससे पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं होता, लेकिन एक बात बताओ, एक तो मैंने लिखा था गोल्ड जो है ना बहुमूल्य धातु है और एक बोला था गोल्ड ऑफ अफ्रीका, गोल्ड कहाँ का, अफ्रीका का। जब कोई भी नाउन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है, मैंने आपको सिखाया था ना, जब कोई भी नाउन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है तो उसको उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज वाइडली डिमांडेड, कहने का स्पष्ट मीनिंग मेरा ये है डियर स्टूडेंट्स, आपको कॉन्सेप्चुअल होना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, ये नहीं कि मैटेरियल नाउन के एग्जांपल हैं वाटर मिल्क इस प्रकार से, इनको प्लूरल नहीं बना सकते, इनसे पहले आर्टिकल नहीं लगा सकते, ये अनकाउंटेबल हैं, इस प्रकार आप कुछ बोलेंगे। वाटर को वाटर्स भी लिखा जा सकता, बिल्कुल लिखते हैं, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाता है, वाटर को वाटर्स लिख सकते हैं लेकिन मीनिंग चेंज हो जाएगा, वुड को वुड्स लिख सकते हैं लेकिन मीनिंग चेंज हो जाएगा, वुड का मतलब लकड़ी और वुड्स का मतलब जंगल या वन फॉरेस्ट, तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, ये बात है, तो इन बातों को विशेष ध्यान आप रखना। मेन बात यही है मैटेरियल नाउन का मतलब है जिससे हम कोई मैटर बना सकते हैं, जिससे कोई हम वस्तु बना सकते हैं और उसको हम मैटेरियल नाउन बोलते हैं। मैटेरियल नाउन के अंत में एस और एस लगा करके प्लूरल नहीं बनेगा क्योंकि अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट होता है, अगर ये प्लूरल बना दिया तो ये कॉमन नाउन बन जाएगा, ध्यान रखना। अगर इस कोई वस्तु बनाने में इसका यूज नहीं हो रहा है, अगर मैटेरियल नाउन का प्रयोग किसी वस्तु को बनाने में यूज नहीं हो रहा है तो ये कॉमन नाउन बन जाएगा और ऐसी स्थिति में बिल्कुल ये प्लूरल हो सकता है, एस और एस लगा करके प्लूरल बना सकते हैं। दूसरी बात, अगर मैटेरियल नाउन किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करे, अगर मैटेरियल नाउन किसी स्पेसिफिक जानकारी का बोध करवाए तो इससे पहले दी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट नाउन है ये भी। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन
जिसको हम अपनी 5 senses के द्वारा एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। हमारी 5 senses कौन सी हैं? हमारी 5 senses कौन सी हैं? 5 senses हैं हमारी, 5 senses। इसकी डेफिनेशन बाद में बनाऊंगा, पहले आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझो। 5 senses कौन सी हमारी? जैसे आई है, आई से आप देखने का काम करते हैं। जैसे ईयर है, ईयर से आप क्या है? सुनने का काम करते हैं। नोज है, सभी को पता होगा नोज, स्मेल से यहाँ से काम होता है। स्किन है, इससे क्या है? टच। और टंग है, इसे टेस्ट होने का कार्य होता है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है या नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे कि कोई नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन है या नहीं है? तो आप क्या देखना, अगर उस पर हमारी 5 इंद्रियां, 5 senses काम ना कर रही हों, यानी कि जिस नाउन को देखा ना जा सके, सुना ना जा सके, स्मेल ना किया जा सके, टच ना किया जा सके, टेस्ट ना किया जा सके, वो नाउन कैसा है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यानी इस नाउन को देखा या टच नहीं किया जा सकता, इस नाउन को फील किया जा सकता है, इसको बोलते हैं फेल्ट ओनली। इस नाउन को फील किया जा सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फेल्ट ओनली। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? फेल्ट ओनली। ऐसा नाउन जिसको हम फील कर सकते हैं उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। दूसरी बात, दूसरी ट्रिक क्या है अब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानने की? ट्रिक क्या है? ये ट्रिक ही है, ये मान के चलो आप। अब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानने की ट्रिक क्या है? जिस नाउन को हमारे 5 senses के द्वारा एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड experienced with our 5 senses. Abstract noun cannot be experienced with our 5 senses. ऐसा noun जिसको हम अपने इंद्रियों के द्वारा experience नहीं कर सकते, यानी जिसे देखा ना जा सके, जिसे छुआ ना जा सके, जिसे taste ना किया जा सके, ऐसे noun को abstract noun कहा जाता है। आई बस समझ में? 4 options देगा आपको। जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दिया आपको, बोलेगा जैसे ऑनेस्टी है, बताओ कौन सा नाउन है ऑनेस्टी, कौन सा नाउन है ऑनेस्टी? का मतलब ईमानदारी। ऑनेस्टी को क्या आप टच कर सकते हैं? क्या ऑनेस्टी को आप स्मेल कर सकते हैं? क्या ऑनेस्टी को आप देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जिस नाउन पर हमारी 5 senses काम नहीं करती, वो नाउन कैसा है हमारा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, उसको नाउन को क्या बोलेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे सिंपथी, सहानुभूति, कौन आपके साथ है, किसने आपका साथ दिया है बुरे वक्त में, जैसे आप सांत्वना देते हैं ना, सिंपथी। तो सिंपथी को क्या आप टच कर सकते हैं कि आपके सिंपथी उसे दे दो? ऐसा नहीं कर सकते ना, इसको फील करते हैं, इसलिए ये क्या है? एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जिस नाउन पर हमारी 5 इंद्रियां काम ना करें, यानी जिसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, उस नाउन को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाएगा। यहां तक कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना साथ साथ में, ठीक है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ऐसा नाउन जिसको हम फील करते हैं, जिसको हमारी 5 senses के द्वारा एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, जिसको देखा नहीं जा सकता, ऐसे नाउन को इनविजिबल बोलते हैं। मैंने आपको क्या लिखवा था? अब्स्ट्रैक्ट नाउन को इनविजिबल नाउन भी कहा जाता है। इनविजिबल क्यों कहा जाता है? समझ में आई बात? क्योंकि इसको देखा नहीं जा सकता। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को इंटेंजिबल भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इंटेंजिबल। क्यों इंटेंजिबल इसे बोलते हैं? क्योंकि इसे छुआ नहीं जा सकता। क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन को छू सकते हो? नहीं, इसलिए इसको इंटेंजिबल बोलते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे ऑनेस्टी है, क्या ऑनेस्टी को आप गिन सकते हो? एक ईमानदारी है या दो है? सिंपैथी को आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन भी बोलते हैं। अब क्लियर हो गई ना बात? है अब्स्ट्रैक्ट नाउन को इनविजिबल,
इंटेंजिबल और अनकाउंटेबल या मास नाउन की कैटेगरी में क्यों रखा गया? क्योंकि हम इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसको काउंट नहीं कर सकते, इसकी एग्जिस्टेंस होती ही नहीं है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसको हम फील कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते तो वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहां पर एक बात समझ में आई, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कैसा नाउन हो गया हमारा? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कैसा नाउन हुआ? अनकाउंटेबल। जब हम अनकाउंटेबल नाउन यानी को इसको काउंट ही नहीं कर सकते, इसलिए इसके साथ वर्ब भी कैसी यूज होगी? सिंगुलर। इसलिए वर्ब भी कैसी यूज होगी इसके साथ? सिंगुलर। और अनकाउंटेबल नाउन को हम एक ईमानदारी नहीं कह सकते ना, बिल्कुल। तो आर्टिकल भी प्रयोग नहीं होगा, नो आर्टिकल बिफोर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और क्या आप ऑनेस्टीज लिख सकते हो? क्या आप सिंपैथीज लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एसओरीएस का प्रयोग हम नहीं करते, इसलिए क्या लिखेंगे? सिंगुलर फॉर्म। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसी फॉर्म में होगा? सिंगुलर फॉर्म में। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसी फॉर्म में होगा? सिंगुलर फॉर्म में होगा। सिंगुलर फॉर्म कहने का मेरा मतलब क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंत में आप एस और ई एस लगा करके उसे प्लूरल बनाने की कोशिश ना करें। एक बात, अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंत में एस और ई एस लगा करके वो प्लूरल बन भी रहा है तो वो अब्स्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, वो कॉमन हो जाएगा। अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एस और ई एस लगकर आपने प्लूरल बना भी दिया तो वो अब्स्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन बन जाएगा। ठीक है, तो मेन बात क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ना, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ वर्ब कैसी लगती है? सिंगुलर। और अनकाउंटेबल है तो एन बिल्कुल नहीं लगाएंगे और दी भी नहीं लगेगा जनरल केस में। लेकिन अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करे, किसको? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करे, तो इससे पहले हम कौन सा आर्टिकल लगा सकते हैं? डियर स्टूडेंट्स, दी आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। यहां से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, एक बार नोट कीजिए इसको, फिर थोड़ा सा आगे चलूंगा मैं। अब ये टॉपिक जो है ना, अभी नाउन हुआ है सिर्फ, इसके बाद नंबर, इसी का पार्ट जो है केस, जेंडर, बहुत सारे जो है ना, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है इसमें। इसमें हमें बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, बहुत कुछ हम पढ़ेंगे। ये मत समझना ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट पढ़ लिया तो नाउन खत्म हो गया। ना ना, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन है। मैं पहले नाउन को टीच कर रहा हूँ, उसके बाद नंबर को, केसेस को, जेंडर को पढ़ेंगे। अब अगर मैं मिक्स कर देता ना नाउन और नंबर केस सब कुछ, तो बच्चे को दिक्कत हो जाती है। इसलिए बिल्कुल सीक्वेंस में सिस्टमैटिक तरीके से एक एक बात को डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे। टाइम कोई दिक्कत नहीं लग जाए, लेकिन आपको सेटिस्फिकेशन होना चाहिए, आपको मज़ा आना चाहिए, ये लगना चाहिए कि पहले में और अब में पढ़ने में डिफरेंस फील हो रहा है। ठीक है, नीतू कोई बात नहीं, उसको ठीक करवा देंगे भाई, जो बाई नाउ दिखाई दे रहा ना अभी भी, ठीक करवा देंगे उसको। यहाँ से क्या कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे मुझे आप एक बात बताओ, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, Honesty is the best policy। मुझे आप ये बताइए जल्दी से, क्या ये वाक्य सही होगा? क्या ये सेंटेंस सही होगा? He had a lot of sympathies
फॉर द पुअर। क्या यह सेंटेंस सही होगा डियर स्टूडेंट्स, बताना मुझे कमेंट करके। थर्ड, लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। क्या यह सही होगा? और लाइफ ऑफ गांधी या लाइफ ऑफ भगत सिंह, लाइफ ऑफ भगत सिंह वाज, सॉरी, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन, वाज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। क्या यह सही होगा? कमेंट करना जल्दी जल्दी से। द डेथ ऑफ भगत सिंह शॉक्ड द नेशन। क्या यह सेंटेंस सही होगा डियर स्टूडेंट्स? कमेंट करो जल्दी जल्दी से आप। मुझे कमेंट करके बताइए ऑनेस्टी ऑनेस्टी ऑफ मोहन attracts everyone. क्या यह सेंटेंस सही होगा? जल्दी जल्दी से कमेंट करके आंसर्स दीजिए। The honesty is the best policy. क्या ये सेंटेंस सही है? Honesty क्या है? Best policy. Honesty को count नहीं कर सकते, abstract noun है। Honesty best policy है, ये general बात है, सभी को पता है कि नहीं पता है? किसकी ईमानदारी की बात हो रही है? कुछ स्पेसिफिक पता चला? ऑनेस्टी किसकी नहीं पता चला? कॉमन, सभी के लिए जब बात हो ना तो कॉमन जनरल फैक्ट होता है। तो ऐसी स्थिति में अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर देखो, ऑनेस्टी ऑफ मोहन, ऑनेस्टी ऑफ मोहन, ऑनेस्टी किसकी? मोहन की। ऐसी स्थिति में आप क्या यूज कर सकते हैं? डेफिनेट आर्टिकल दी। जब स्पेसिफिक बना दिया जाए, स्पेसिफिक बना दिया जाए, तब दी आर्टिकल लगा सकते हैं। आई बात समझ में? यानी स्पेसिफिक जब भी इंफॉर्मेशन शो करे तब हम दी लगा सकते हैं। ही हैड अ लॉट ऑफ सिंपैथीज फॉर द पुअर। क्या ये सेंटेंस सही होगा? देखो, ऑब्जेक्ट नाउन को प्लूरल बना रखा है, सिंपैथीज, सहानुभूतियां, गलत है ना? जिसको काउंट ही नहीं कर सकते उसको एस्वरियस लगा करके प्लूरल बनाओगे तो गलत हो जाएगा। सिंपैथी लिखें। लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी है। किसकी जिंदगी? कुछ पता चला? लाइफ में दुख सुख आते रहते हैं, गरीबी अमीरी चलती रहती है। किसकी लाइफ की बात हो रही है पर्टिकुलर? कुछ पता चल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं पता चल रहा। तो जब भी जनरल बात हो, जनरल केस में हम कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर देखो, लाइफ ऑफ होम भगत सिंह, तो ये लाइफ किसकी बात हो रही है? भगत सिंह की। जब स्पेसिफिक बात हो तब हमें दी आर्टिकल का प्रयोग करना होता है।
तब क्या यूज करना होता है दी, तो यहाँ पर दी आर्टिकल का प्रयोग होगा। द लाइफ ऑफ भगत सिंह वाज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। वैसे तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा, लेकिन अगर वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को शो कर रहा है तो डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग हो सकता है। द डेथ ऑफ भगत सिंह शोक्ड द नेशन, डेथ किसकी, भगत सिंह की, तो स्पेसिफिक होने पर दी लगा सकते हैं, बिल्कुल ये सेंटेंस सही है, बिल्कुल इसमें कोई समस्या नहीं है। मेन बात यही होती है डियर स्टूडेंट्स, मेन बात क्या है कि जो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना हमारा, जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसको अनकाउंटेबल बोला जाता है। और जिसको काउंट ही नहीं कर सकते उसका क्या प्लूरल बनाओगे एस और एस लगा करके, ऐसा तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जब प्लूरल ही नहीं बन सकता तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और जब आपको पता ही नहीं एक है या ज़्यादा है तो आप ए एन बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ए एन का प्रयोग तो एक के लिए होता है। और दी कब लगाओगे, जब बात स्पेसिफिक हो, तो जनरल केस में तो हम नहीं लगाएंगे, दी कब लगाएंगे जब बात स्पेसिफिक हो। कर लोगे ना, ध्यान से सुनना एक बात, कुछ एक ऐसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जो प्लूरल बन जाएंगे, लेकिन वो प्लूरल बन गए ना वो अब्स्ट्रैक्ट नहीं रहेंगे, कॉमन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, कॉमन नाउन हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज हो सकती है, प्लूरल वर्ब यूज हो सकती है। ठीक है, जैसे थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स वर डिस्ट्रॉयड इन सुनामी, सुनामी में हजारों जिंदगियां तबाह हो गई, हजारों जिंदगियां बर्बाद हो गई। तो इट मीन्स अब की बार क्या लाइफ जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज हो रही है, क्या अब की बार लाइफ जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज हो रही है क्या, बिल्कुल यूज नहीं हो रही। तो अलग अलग पर्सन की लाइफ के बारे में बात हो रही है, सेपरेटली जब बात होती है तो प्लूरल बन सकता, थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स, ये क्या है, लाइफ का प्लूरल है। देखो लाइफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन जरूर है, लेकिन अलग अलग व्यक्ति की जिंदगियों के बारे में बात करेगा तो ये क्या हो जाएगी, लाइव्स, और ये अब्स्ट्रैक्ट नहीं, अब ये कॉमन नाउन बन जाएगी। ध्यान रखना, कॉमन तो बिल्कुल प्लूरल हो सकता है, थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स वर डिस्ट्रॉयड इन द सुनामी। तो यहां पर देखो लाइव्स हमने बना दिया है, इसी प्रकार डेथ का डेथ्स भी बना सकते हैं, जब अलग अलग व्यक्ति की मौत के बारे में सेपरेटली बात करता है तो बिल्कुल, लेकिन ये कॉमन हो जाएगा, ये अब्स्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, आपकी बार कैसा हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा ये। तो मेन फीचर्स क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक अनकाउंटेबल की तरह कार्य करता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, आर्टिकल यूज नहीं होगा, और एस और एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते। लेकिन जब यह स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को शो करे तो दी आर्टिकल लग सकता है। ये प्रो अब्स्ट्रैक्ट ना रह करके अगर कॉमन की तरह ट्रीट हो, अलग अलग व्यक्तियों के लाइफ या डेथ्स की बात हो रही हो, तब ये प्लूरल भी हो सकता है, और ऐसे केस में प्लूरल वर्ब भी यूज हो सकती है। देखो जैसे यहाँ पर यूज हो गई, प्लूरल वर्ब की भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एक बातें क्या होती हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने की होती हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा और बता देता हूँ। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन, आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। मैंने आपको क्या बताया, इस नाउन को हम सिर्फ फील करते हैं, यानी फेल्ट ओनली, जिस नाउन को फील किया जा सके उसको हम क्या बोलते हैं, फेल्ट ओनली, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैंने फिर आपको क्या बताया डियर स्टूडेंट्स, जिस नाउन पर हमारी फाइव सेंसेस काम ना करें, जिस नाउन पर हमारी फाइव सेंसेस काम ना करें, वो भी नाउन कैसा हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी जिसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, स्मेल नहीं किया जा सकता, फील किया जा सकता है, वो क्या है हमारा, जिसे फील किया जा सकता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
जिसे सेंसेस के द्वारा एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता वो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और तीसरी बात क्या है, कुछ एक सफिक्स मिलेंगे अगर किसी नाउन के अंत में, अगर किसी नाउन के अंत में कुछ एक सफिक्स आपको दिखाई दें, अगर किसी नाउन के अंत में कुछ एक सफिक्स आपको दिखाई दें तो भी वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए कुछ एक सफिक्स यूज कर देते हैं लास्ट में, अगर नाउन के अंत में कुछ एक सफिक्स आपको देखने को मिले तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है। जैसे चाइल्ड से आप क्या बनाते हैं, चाइल्डहुड, तो मैंने आपको लिखवाया भी था उस दिन, हुड, डम, नैस, सी ई टी एच, सी वाई, टी वाई, आई एस एम, टी आई ओ एन, एम ई एन टी, एस एच आई पी, एक्सेट्रा। कहने का मतलब अगर कुछ एक ये सफिक्स आपको दिखाई दें, अगर नाउन के अंत में कुछ एक सफिक्स दिखाई दें तो समझ जाना ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया है। जैसे हुड से चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, मदरहुड, बॉयहुड बना लोगे ना, विजडम, नेस से हार्डनेस, स्मार्टनेस, स्मूथनेस, एक्सेप्टेंस, सीई से क्या बन सकता है, एक्सेप्ट से कुछ एक नाउन जो है ना वर्ब से भी बनते हैं, वर्ब से भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, एक्सेप्टेंस। ठीक है, जैसे डेथ आपने डाई से क्या बना दिया, डेथ, टी वाई से क्या बनाओगे आप, इंटीग्रिटी, चैरिटी, सिंपैथी, ऑनेस्टी, बॉयजम बना सकते हो, आई टी आई ओ एन से उस दिन भी आपने बताया था मोटिवेशन, बिल्कुल बना सकते हैं। एम ई एन टी से क्या बनेगा, एंजॉयमेंट, एग्रीमेंट, एंटरटेनमेंट, एग्रीमेंट, एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो कुछ एक नाउन्स ऐसे हैं जैसे एस एच आई पी क्या, फ्रेंडशिप, हार्डशिप, फ्रेंडशिप क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे मेथड्स मैंने आपको बताए हैं। ऐसा नाउन जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमारी फाइव सेंसेस काम नहीं करती, जिसको हम अपनी सेंसेस के द्वारा एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे कुछ एक सफिक्स भी हैं जो अगर नाउन के अंत में यूज कर दिए जाएँ तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्मेट कर देते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को बना देते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाने में कुछ एक सफिक्स हैं जो आपके सामने हैं, ये अगर आपको लास्ट में दिखाई देते हों तो आप समझ जाना ये कैसा नाउन होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जैसे पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार आता, बेसिक आ जाता, कई बार तो क्वेश्चन आ जाएगा बिल्कुल बेसिक कि बताइए हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है, कौन सा नाउन है, हैप्पीनेस जो है ये कौन सा नाउन है आपका। तो हैप्पी से क्या बना है, हैप्पीनेस, तो लास्ट में एन ई डबल एस है, ये नाउन तो जरूर है और नाउन भी कौन सा बन गया हमारा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया है। स्पष्ट बात क्या है, मैटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट जो देखा जाए कलेक्टिवली अगर देखा जाए, मैटेरियल और कलेक्टिव क्या है, काउंट नहीं किए जा सकते, अनकाउंटेबल वाले फीचर्स हैं इनमें, इसलिए वर्ब सिंगुलर यूज होती है, आर्टिकल यूज नहीं होता है, इनको एस और एस लगा करके प्लूरल बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक बात हो ऐसी स्थिति में हम दी आर्टिकल लगा सकते हैं, ऐसी कंडीशन में डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग कर सकते हैं, और बाई चांस ये प्लूरल अगर बन भी रहे हैं तो ये मैटेरियल या अब्स्ट्रैक्ट नहीं रहेंगे, ये कॉमन बन जाएंगे, ऐसे स्थिति में वर्ब भी प्लूरल लग सकती है। ठीक है ना, रवि हाय, बिल्कुल जी, नमस्कार, हेलो, अभी तक हाय हेलो कर रहे हो आप, क्लास खत्म होने वाली है और अभी तक आप हाय हेलो कर रहे हैं।
तो ये नाउन को हमने इंडिविजुअली अलग अलग पढ़ा है, कैटेगराइज करके प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मैटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट, इसको अलग अलग तरीके से हमने एक एक को अच्छे से पढ़ने की कोशिश की है। एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एग्जाम से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं उसको हमने डिटेल से बिल्कुल डिस्कस कर लिया है। अगर आप इससे अच्छे से लिखेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। अब इसके बाद जो है ना, इन पांचों नाउन्स की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ। यानी इसके बाद क्या है, हम प्रैक्टिस करेंगे कि आज तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नाउन से रिलेटेड कितने और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद हम नंबर टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, नंबर को स्टार्ट करने से पहले, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा क्लोज, नाउन क्लोज क्या होता है, नाउन फ्रेज क्या होता है, अभी बहुत कुछ बाकी है, नाउन के फंक्शन क्या क्या हैं, नाउन के फंक्शन क्या क्या हैं, इसे आने वाली, इसे अगली क्लास में जो है हम क्या सीखेंगे, फंक्शन सीखेंगे, नाउन के फंक्शन, इसे नेक्स्ट क्लास में हम नाउन के फंक्शंस को सीखेंगे। और उसके बाद नाउन क्लोज क्या होता है, नाउन फ्रेज क्या होता है, इसे अगली क्लास में ये खत्म हो जाएगा, नाउन क्लोज और नाउन फ्रेज। तो इसे नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं, फंक्शंस ऑफ नाउन, नाउन के फंक्शंस क्या 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 काम कर सकता है, नाउन क्लोज क्या है, नाउन फ्रेज क्या है, और इसके बाद नाउन की प्रैक्टिस करेंगे। नाउन की प्रैक्टिस, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम करेंगे, जो यहाँ तक कुछ भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर, केसेस और जेंडर को स्टार्ट करेंगे। बेसिकली एक क्लास में और आपका नाउन कंप्लीट हो जाएगा, इसमें आपको प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, और नाउन क्लोज, नाउन फ्रेज, फंक्शन ऑफ नाउन क्या क्या होते हैं ये भी आपको सिखा दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास क्या होगी, जो अब तक हमने पढ़ा है इसकी प्रैक्टिस हम करने जा रहे हैं कुछ एक क्वेश्चंस की, ठीक है। तो आज तक आज इतना ही काम करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स डियर स्टूडेंट्स। बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी तक इंग्लिश स्पेशल बैच जिसने ज्वाइन नहीं किया है उसके लिए अभी तक जो है 199 फीस ही चल रही है। फीस आपके लिए अभी तक 199 रुपीज़ है। कोई आपको क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, आपको दिख रहे हैं, कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए हैं। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट है तो बिल्कुल आप इन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और 199 रुपीज़ में इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।